अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ फैसल खालिक एंड वेलकम टू माय चैनल। तो न्यू जॉब्स की न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने हूँ। यहाँ पर अभी मैं STS की वेबसाइट पे खड़ा हूँ, जो कि IBA की टेस्टिंग सर्विस है, STS सीबा टेस्टिंग सर्विस, जिसके थ्रू IBA टेस्ट लेता है। तो ये जो अभी IBA टेस्ट लेने वाला है वो है सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ सिंध, ठीक है। तो उनमें जो भी वैकेंसीज आएंगी, ये जो टेस्ट IBA लेगा वो उसके लिए वैलिड होगी अगले 3 साल के लिए। तो वो कौन सी वैकेंसीज़ हैं और उसमें कैसे अप्लाई करेंगे, वो सारा प्रोसेस यहाँ से ही हम देखेंगे, और अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल रहा है सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो इसकी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ द सिंध इंटेंस टू फिल द वैकेंट पोजीशन ऑफ BPS 5 to 15, यानी 5 से लेकर 15 तक जो भी अगले 3 सालों में वैकेंसीज आएंगी सर्विस में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में या कोऑर्डिनेशन में, ये जो आप टेस्ट देंगे उसके लिए वैलिड होगी, उसके लिहाज से आप सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर देखें, इसकी एडवर्टाइजमेंट भी हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर ली। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर BPS 5 to 15, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर शैल बी सेपरेट टेस्ट फॉर ईच कैटेगरी। तो इसमें ये चीज़ है कि आप तीनों कैटेगरीज़ में, यानी कि इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सी। ये आप देख सकते हैं, ग्रेजुएशन है, इंटरमीडिएट एंड मैट्रिकुलेशन। तो इन तीनों कैटेगरी के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको चालान डिफरेंट पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन में, इंटरमीडिएट, मैट्रिक लेवल, जिसमें भी आप कहें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट डिफरेंट डेज पे होगी। इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर, जो कि थंबनेल पे भी मेंशन है। तो यहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ सिंध प्रोविंस में सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ पर, ये जो वेबसाइट है STS की, वहाँ पर। वो लास्ट डिग्री सर्टिफिकेट, CNIC डोमिसाइल, PRC रिसेंट फोटोग्राफ। तो ये सब कैसे होगा, ये सब जब आप STS पे अकाउंट बनाएंगे तो पहले से ही आपकी प्रोफाइल बनेगी, प्रोफाइल में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर सिर्फ आपको अप्लाई करना होगा और आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका 350 चालान होगा, लेकिन अगर दूसरी पोस्ट करेंगे तो फिर 700, तीसरी करेंगे तो फिर दूसरे 700। तो अगर 2 के लिए आप करेंगे 1050 हो जाएगा, अगर 3 के लिए करेंगे तो 1750 रुपीज़ होंगे। नवंबर 30 इसकी लास्ट डेट है, और ये प्रोजेक्ट मैनेजर है सीबा टेस्टिंग सर्विस। तो अभी देखते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है और इसमें किस तरह आपने वो चालान वगैरह पे करने हैं। तो अभी मैं उसकी वेबसाइट पे वापस जाता हूँ। आपने ये सारी देख ली होगी एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद अगर आप चाहें तो ख़ुद से भी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं इसी वेबसाइट पे जाकर, STS की, www.sts.com.pk या apply.sts.com.pk। तो यहाँ पर अभी व्यू पोस्ट करते हैं कि पोस्ट कौन सी हैं। टोटल 3 पोस्ट हैं, जो कि ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिक लेवल पर हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं 350 फॉर द फर्स्ट एप्लीकेशन एनी कैटेगरी एंड 700 फॉर एवरी अदर कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो 350, सेकंड में करेंगे तो 700 उसके लिए। इंटरमीडिएट कैटेगरी है, यहाँ पर मैट्रिकुलेशन कैटेगरी है। तो लोग यहाँ पर ज़्यादातर हर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये टेस्ट भी अलग होगा। तो अगर आप एक टेस्ट में पास नहीं होते हैं तो दूसरी में हो सकते हैं, दूसरी में नहीं हो सकते तो तीसरी में भी हो सकते हैं। तो इसलिए यह है कि आपको चालान एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं किसी में भी अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले अप्लाई कर किया हुआ है इसमें मैट्रिकुलेशन कैटेगरी पे भी और इंटरमीडिएट कैटेगरी पे भी। मैंने, यह मेरे ब्रदर का अकाउंट है तो मैंने उस पर अप्लाई किया हुआ है इसका। तो फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस पे ये जो इसकी प्रोफाइल है वो हमें बिल्ड करनी होती है, इस पे अकाउंट बनाना। अकाउंट कैसे बनाने है उसकी मैंने वीडियो ये डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है, वो आप देखें और अकाउंट बनाएं। तो यहाँ पर देखें, एक्टिव प्रोजेक्ट से माई प्रोफाइल है, अप्लाइड एप्लीकेशन से, इसमें जाता हूँ अप्लाइड एप्लीकेशन में। अप्लाइड एप्लीकेशन में मैं देखूँगा कि मैंने कौन सी एप्लीकेशन में अप्लाइड किया है। मैंने मैट्रिकुलेशन पर भी अप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे तो नीचे मैंने इंटरमीडिएट पर भी किया हुआ है। तो एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन स्टेटस, मेरा फॉर्म सबमिटेड आ रहा है, ठीक है, फॉर्म सबमिट किया है लेकिन मैंने अभी चालान पे नहीं किया। तो यहाँ पर जब भी आप अप्लाई नाउ पे पीछे क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर
अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, प्रोफाइल क्रिएट करके आप अप्लाई करेंगे। प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है उसका मैंने आपको बताया कि अकाउंट कैसे बनाना है, वो एक वीडियो है पूरी जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। तो यहाँ पर माय प्रोफाइल का सॉल्यूशन हो गया। माय प्रोफाइल बना के सिर्फ आपने जाना है उसमें, इसमें पोस्ट में जाके जहाँ पर आपने देखा अप्लाई नाउ का ऑप्शन था उसमें अप्लाई नाउ कर देना है, तो आप अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी इन पोस्ट के हवाले से कि आपने कैसे इनमें अप्लाई करना है। तो जल्दी से अकाउंट बनाएं और इसमें अप्लाई करें ताकि आप रह ना पाएँ। 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। एंड अगर आपने अकाउंट बनाना कैसे है देखना है तो चेक वीडियो इन डिस्क्रिप्शन। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, एंड मैं आप सबको यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को भी कहें कि वो अप्लाई करें ताकि जो भी अभी वैकेंसीज़ आएँ वो फिल हों, खाली ना हो। जैसे PST और JST की बहुत सी वैकेंसीज़ फ़िल नहीं हुई, तो इस मरतबा फ़िल हों। अल्लाह हाफिज़।